सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को भी लेटेस्ट टेक्निकल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। रियलमी 2 के फ़ोन में आप व्हाट्सएप और मैसेज के पॉपअप को यूज कर पाएंगे, जिसमें कि आप व्हाट्सएप और मैसेज को जो है किसी ऐप के साथ यूज कर सकते हैं बिना स्प्लिट स्क्रीन किए हुए। तो जैसे आप देख सकते हैं काइंड मास्टर ऐप में स्प्लिट स्क्रीन नहीं होता है, तो यहाँ पे आप नोच वाले साइड को स्लाइड करके आप नोच वाले साइड को इस तरह से आपको यहाँ पे स्लाइड करना है और उसके बाद आपको व्हाट्सएप वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस तरह से आप यहाँ पे पॉपअप व्हाट्सएप का खुल जाएगा और यहाँ से आप व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे। इसे आप जो है स्क्रीन पर कहीं भी रख सकते हो और जो है पीछे वाले ऐप को एक साथ यूज कर सकते हो बिना आप इससे पॉपअप मेन्यू को बंद किए हुए। तो इस तरह से आप जो है रियलमी 2 के फ़ोन में एक साथ आप व्हाट्सएप के साथ किसी भी ऐप को यूज कर सकते हो। और इसी तरह से आप जो है यहाँ पे नोच वाले साइड को स्लाइड करके यहाँ से आप मैसेज को भी पढ़ सकते हो या आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं नोच वाले साइड में, जिससे कि आप अपने अपना स्क्रीन शॉट ले सकते हो या स्क्रीन का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे जो है आप एक साथ दो पॉपअप को यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है या तो आपको व्हाट्सएप का पॉपअप यूज कर सकते हैं या फिर आप जो है मैसेज का पॉपअप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है एक साथ दो पॉपअप को यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप एक ही पॉपअप को एक बार में ओपन कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे आपको थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट और लॉन्ग स्क्रीन शॉट लेने के लिए बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे स्मार्ट के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे गस्टर के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप जो है अपने तीन फिंगर को एक साथ नीचे की ओर स्लाइड करके किसी भी जगह का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो आप इस तरह से स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जो है यहाँ पे स्लाइड करके स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऊपर स्लाइड करते जाना है जितना दूर तक का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। तो इस तरह से आप अपने रियलमी 2 के फ़ोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाएंगे और यहाँ पर आप इसे डन करके सेव कर पाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पे इसमें नेक्स्ट फीचर रियलमी के फ़ोन में जो दिया गया है, उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्मार्ट के ऑप्शन पे आना है, फिर आपको यहाँ पे गस्टर के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ गस्टर में आना है और यहाँ पे आपको डबल यहाँ पे ड्रॉ ओ टू स्टार्ट कैमरा, ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट और यहाँ पे आपको एरो के चिन्ह में म्यूजिक कंट्रोल और यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एम में जो लंच मैसेज सेट किया हुआ है और डब्लू में जो है लंच यूट्यूब सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है अपने अनुसार से ऐप को सेट कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि वो ड्रॉ करने पे आपका आए। तो इसके बाद जो है आपको अपना स्क्रीन ऑफ करना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ओ ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे कैमरा ओपन होता है। तो इस तरह से आप जो है अगर स्क्रीन ऑफ में आप भी ड्रॉ करेंगे तो आपका पीछे का फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगा, डब्ल्यू ड्रॉ करने पर आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा और एम डेवलप करने पर यहाँ पे मैसेज ओपन हो जाएगा। तो आप एम और भी की जगह आप जो है अपना कोई भी ऐप सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगर आपको रियलमी 2 के फ़ोन में पैटर्न का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप जो है उसे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम जानते हैं। तो आप रियलमी 2 के फ़ोन में देखे होंगे कि आपको जो है पैटर्न का ऑप्शन नहीं मिलता है और आपको लगता है कि आप सिर्फ पासकोड सेट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट एंड पासकोड फेस एंड पासकोड के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पे आपको जो है लॉक स्क्रीन पासकोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पुराना पासवर्ड डाल के मॉडिफाई पासवर्ड पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे पुराना पासवर्ड डालना है। तो आप यहाँ पे पुराना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नया पासवर्ड नहीं डालना है बल्कि अदर इंक्रिप्शन मेथड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन आएगा पैटर्न कोड का और इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आप रियलमी 2 के फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा सकेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर दिया गया है, इससे आप अपने फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन कर पाएंगे, मतलब कि एक साथ दो ऐप को यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कोई भी ऐप को ओपन करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यूसी ब्राउज़र ओपन किया। उसके बाद आपको अपने तीन फिंगर को एक साथ ऊपर की ओर स्लाइड करना है, जिसके बाद आपका यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगा और नीचे आप
कोई भी दूसरा ऐप को ओपन कर पाएंगे। तो इस तरह से आप जो है Realme 2 के फ़ोन में एक साथ दो ऐप को यूज कर पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे जो है स्प्लिट स्क्रीन के साथ जो है यहाँ पे आप कैमरा का यूज नहीं कर पाएंगे, आप अपने फ़ोन के कैमरा को नहीं ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको नीचे कुछ ही ऐप मिलेंगे जिसे आप स्प्लिट स्क्रीन के साथ यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने Realme 2 फ़ोन के कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।